चाणक्य नीति चैप्टर 3 इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चाणक्य नीति अध्याय 3 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। 1 इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं, वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है, सदा सुख किसको रहता है। 1 इन दिस वर्ल्ड हूज फैमिली इज देयर विदाउट ब्लेमिश, हु इज फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड ग्रीफ, हु इज फॉरएवर हैप्पी। 2 मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ता है, एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। 2 A man's descent may be discerned by his conduct, his country by his pronunciation of language, his friendship by his warmth and glow, and his capacity to eat by his body. 3 लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए, एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। 3 Give your daughter in marriage to a good family, engage your son in learning, see that your enemy comes to grief, and engage your friends in dharma. Krishna consciousness. 4 एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मरेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचने की कोशिश करेगा। 4 Of a rascal and a serpent, the serpent is the better of the two, for he strikes only at the time he is destined to kill, while the former at every step. 5 राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। 5 Therefore kings gather round themselves men of good families, for they never forsake them either at the beginning, the middle or the end. 6 जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति अथवा विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। 6 At the time of the Pralay, universal destruction, the oceans are to exceed their limits and seek to change, but a saintly man never changes. 7 मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। 7 Do not keep company with a fool, for as we can see he is a two-legged beast. Like an unseen thorn he pierces the heart with his sharp words. 8 रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्मा लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। 8 Two men be endowed with beauty and youth and born in noble families, yet without education they are like the palasa flower, which is void of sweet fragrance. 9 कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। 9 The beauty of a cuckoo is in its notes, that of a woman in her unalloyed devotion to her husband, that of an ugly person in his scholarship, and that of an ascetic in his forgiveness. Thus, कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। 10 Give up a member to save a family to save a village to save a country, and the country to save yourself. 11 जो उद्यमशील हैं, वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं, उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं, वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं, वो नभ्रय होते हैं। 11 There is no poverty for the industrious. Sin does not attach itself to the person practicing japa, chanting of the holy names of the Lord.
those who are absorbed in monum, silent contemplation of the Lord, have no quarrel with others. They are fearless who remain always alert. 12. अत्यधिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा, अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। 12. सीता वॉज अब्डक्टेड ड्यू टू एक्सेसिव ब्यूटी, रावण एंडेड ड्यू टू एक्सेसिव एरोगेंस, किंग बाली हैड टू बी टाइड इन बॉन्डेज ड्यू टू एक्सेसिव चैरिटी, देयरफॉर एक्सेस शुड बी डिस्कार्डेड एवरीवेयर। 13. शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। 13. What is too heavy for the strong and what place is too distant for those who put forth effort? What country is foreign to a man of true learning? Who can be inimical to one who speaks pleasingly? 14. जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प व सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम वाता है। 14. As a whole forest becomes fragrant by the existence of a single tree with sweet-smelling blossoms in it, so a family becomes famous by the birth of a virtuous son. 15. जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 15. As a single withered tree, if set aflame, causes a whole forest to burn, so does a rascal son destroy a whole family. 16. विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकालने पर रात्रि जगमगा उठती है। 16. As night looks delightful when the moon shines, so is a family gladdened by even one learned and virtuous son. 17. ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो डैक और निराशा पैदा करे, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांत प्रदान करे। 17. What is the use of having many sons if they cause grief and vexation? It is better to have only one son from whom the whole family can derive support and peacefulness. 18. 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करे। 18. Fondle a son until he is 5 years of age, and use the stick for another 10 years, but when he has attained his 16th year, treat him as a friend. 19. वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। 1. भयावह आपदा। 2. विदेशी आक्रमण। 3. भयंकर अकाल। 4. दुष्ट व्यक्ति का संग। 19. He who runs away from a fearful calamity, a foreign invasion, a terrible famine, and the companionship of wicked men is safe. Peace. जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता, वह बार बार जन्म लेकर मरता है। 1. धमा। 2. अर्थ। 3. काम। 4. मोक्ष। 20. He who has not acquired one of the following, religious merit, dharma, wealth, artha, satisfaction of desires, kama, or liberation, moka, is repeatedly born to die. 21. धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती है जहाँ 1. मूर्खों का सम्मान नहीं होता। 2. अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। 3. पिता पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। 21. लक्ष्मी, the goddess of wealth, comes of her own accord where fools are not respected, grain is well stored up, and the husband and wife do not quarrel.